से पूछा कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्या है। पिता ने जवाब दिया, बेटी। हर दिल का अरमान होती है बेटियां, हर घर की शान होती हैं बेटियां, फिर भी ना जाने क्यों आज भी बेटियों को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी होती है। आज भी समाज में बेटियों को अपने अधिकारों, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। इसी तरह से एक मीना नाम की प्यारी सी बच्ची, जिसने समाज की में व्याप्त बुराइयों को दूर किया, साथ ही साथ समाज में व्याप्त जितनी भी कुरूतियां हैं उसका विरोध करते हुए अपनी सूझबूझ और होशियारी से लड़ते हुए शिक्षा में पहल की और पढ़ने लगी। इसी तरह से हमारे स्कूल की बच्चियां भी एक मीना मंच के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं। आप सबसे अनुरोध है, उनका तहे दिल से स्वागत कीजिए। धन्यवाद। बाबू को स्कूल नहीं जाना है क्या? उसे जाओ, जल्दी तैयार करो। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। अरे बाबू कहाँ हो? आओ तो मैं तैयार कर दूँ। हम आया, टाइम हो रहा है। जाओ अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ मैं जा रहा हूँ। पढ़ाई पढ़ लिख कर क्या करेगी? अगले घर जाएगी तो पढ़ाई थोड़े ना काम आएगा, इसे तो घर गृहस्थी का काम आएगा। पढ़ाई पढ़ाने वाली जा, अपना बर्तन मांज। तू खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही है? जा अपना काम कर। खुश रहा बच्चा, खुश रहा। कैसे हैं? हम ठीक है, तू ठीक हो ना? अरे एनम दीदी नमस्ते। नमस्ते। बाबू के पास पोलियो की दवा पिलाई गई है? हाँ। अरे मीना तुम क्यों रो रही हो? उठो। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लेकर कुछ बनना चाहती हूँ। तुम्हें जरूर पढ़ना है, तुम तो बहुत होशियार लड़की हो, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए। अम्मा जी आप मीना को स्कूल में भेजते हैं? अरे चुप कर, ये पढ़ लिख कर क्या करेगी? स्कूल जाकर क्या करेगी? इसको अगर इसे घर गृहस्थी का काम अच्छे से आना चाहिए। अगले घर जाएगी तो पढ़ाई थोड़ी ना काम आएगी, घर गृहस्थी का काम आएगा। अरे अम्मा जी आप कैसी बात कर रहे हैं? मीना पढ़ेगी तो कुछ बन सकती है। देखिए मैं भी बन गई हूँ, मीना भी पढ़ेगी तो कुछ बनकर दिखाएगी, डॉक्टर इंजीनियर बन सकती है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। आप मीना का स्कूल में दाखिला जरूर करा दीजिए। हाँ ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। अरे मीना तुम स्कूल क्यों नहीं गई? पढ़ना चाहती हूँ लेकिन
स्कूल में मुझे नहीं जाने दिया जाता है, भैया तो जाता है लेकिन मुझे नहीं जाने दिया जाता है। उसको तो सब पढ़ाते हैं लेकिन मुझे कोई नहीं पढ़ाता। अरे अम्मा जी आप इसको स्कूल, मीनू को स्कूल क्यों नहीं भेजती? अरे ये पढ़ लिख कर क्या करेगी, इसको अगले घर जाएगी तो घर गृहस्थी का काम अच्छे से आना चाहिए, चूल्हा चक्का आना चाहिए। अगले घर जाएगी तो पढ़ाई थोड़ी ना काम आएगा, इसे तो घर गृहस्थी का काम आएगा। बड़ी आई हो पढ़ाने वाले, हमारे समाज में परंपरा है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, और इससे भी हमारे परिवार में कोई लड़कियां पढ़ी वढ़ी नहीं है। देखो मैं भी नहीं पढ़ी, मेरी बहू भी नहीं पढ़ी, तो ये पढ़ लिख कर क्या करेगी। अरे माँ जी आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, आजकल की लड़कियां तो पढ़ रही हैं, आगे बढ़ समाज बदल गया है, इंजीनियर आजकल की लड़कियां इंजीनियर डॉक्टर टीचर बन रही है। देखिए मैं भी आज पढ़ लिख कर एक टीचर बन गई हूँ, लड़कियां तो चांद तक पहुंच रही हैं। हमारे भारतीय संविधान में भी लिखा है कि लड़की लड़का एक समान, हमारा कानून भी कहता है कि लड़कों के बराबर जैसा हमें भी लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, उनको उनका अधिकार देना चाहिए। आप इसको स्कूल भेजिएगा कल से। हाँ बच्चा ठीक कर, तो हम कल इनका स्कूल में दाखिला करवा दे, कल से रोज जाइए। ठीक है अम्मा जी मैं चलती हूँ। अच्छा मीना कल तुम स्कूल आना। अच्छा थैंक यू टीचर जी। मेरी खुशबू हर ओर रहे, मेरी मुस्कान हर ओर खिले, लाडली हूँ मैं हर घर की, बोझ नहीं हूँ मैं इस धरती की, मेरा भी तो वजूद है, मुझे भी तो जीने का अधिकार है, मुझे जीने दो मुझे जीने दो, नई कलियों को बागों में खिलने दो खिलने दो, मत छीनो मुझसे मेरा हक, मुझे पढ़ने दो मुझे बढ़ने दो, बेटी हूँ मैं बेटी हूँ, बेटी हूँ मैं बेटी हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटा।